हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यहाँ मैडम जी की हो गई है कोल्ड से हालत खराब, पांच पांच छींके मार रहे हैं इकट्ठे। हम जा रहे हैं घर, नए ब्लॉग की शुरुआत। ये बस थोड़ी ना जहाज है पूरे, देखो रोड देखो, ये साइड में आ पानी ये। चलो बाय बाय, मेरी बेइज्जती हो रही है इसलिए हम मैं नहीं दिखाऊंगी। It's kind of funny that the moment we pass time. Hello guys, welcome back to our channel. अभी बजे हैं दिन के ढाई बजने वाले, ढाई, और हमने कर दी है दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट। प्रिपरेशन तो क्या प्रिपरेशन तो हमने कब की कर दी है, लाइटें हमने घर में पिछले सैटरडे की लगाई हैं और अभी हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि कल हमने निकलना है हिमाचल के लिए और उससे पहले हम चाहते हैं अपने सभी दोस्तों को हम दिवाली गिफ्ट दे जाएं यहाँ पे और कुछ अच्छा लगेगा तो घर भी ले जाएंगे और घर में एक नन्नी है हमारी गुड़िया, भतीजी हमारी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे उसको, उसके लिए भी कुछ देखते हैं उसको ले जाने में हो रही है मुझे ना, क्या ले सकते हैं। तो मैडम बोल रहे हैं शूज टाइप में, तो मैं बोल रहा हूँ कोई ड्रेस टाइप में या साथ में कुछ देखते हैं बाकी वहाँ जाके क्या? और सबसे कंफ्यूजन रहने वाला अब जो फ्रेंड्स हैं हमारे कि उनको क्या दिया जाए, तो मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल रहेगी उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं और मार्केट में पूरा ट्रैफिक जाम है अभी तो दिन में ही, और दिन में हम इसीलिए निकले हैं कि रात को तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा और ऑफिस से निकलते निकलते लेट हो जाते हैं तो इसलिए। और सामने आ रहे हैं ऑडी में आंटी जी, नहीं आंटी जी बजा ना दे गाड़ी भाई, मुझे डर इस बात का है, ऑडी चला रही है तो आती होगी चलानी, अच्छी खासी आती है ऐसा, बस बैठा देते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे मैडम जी देख रहे हैं कोई हार टाइप में जैसे ये है या कोई और है, तो आया कोई पसंद आपको? काफी अच्छी कलेक्शन है, कौन सा ये भी अच्छा है और ये वाला इनको अच्छा लग रहा है डोर के लिए, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है बट ज़्यादा ही कॉस्टली है, 280 रुपीस का बोल रहे हैं, तो देखते हैं क्या पसंद आता है मैडम। ये कोल्ड से हालत खराब, पांच पांच छींके मार रहे हैं इकट्ठे, माना जरा आप छींके, अब नहीं आ रही। तो गिफ्ट हम दिन को ले आए थे बट जल्दी इतनी थी कि शूट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे गाड़ी तो हमने भर दी है गिफ्ट से, अब दे रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बंदा, ये तो आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, अब इनको दिवाली का गिफ्ट दे रहे हैं एक हाथ से और एक हाथ से ले रहे हैं, हैप्पी दिवाली, तो हैप्पी दिवाली आपको भी, सबको हैप्पी दिवाली, घर पे सबको बोलना हैप्पी दिवाली और सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली, सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। तो बाकी ये जो बचे हुए गिफ्ट हैं ये जैसे जैसे मिलेंगे वैसे वैसे देते जाएंगे और होप सो आप कल ही देंगे। Next day. अगले दिन की शुरुआत है, दिवाली की सेलिब्रेशन है ऑफिस में और हम लोग सारे जा रहे हैं दिवाली सेलिब्रेट करने ऑफिस, और सबने अपने अपने ड्रेस रेडी कर लिए हैं दिवाली के लिए, पीछे मैडम लोग बैठे हैं और साथ में दिवाली के लिए यहाँ प्रसाद भी बनाया है स्पेशली अंकल जी ने, और मेरे ख्याल से हलवा और चने हैं तो इसका भी लुफ्त उठाएंगे पूजा के बाद, और पूजा में भी इसको चढ़ाएंगे, पूजा के लिए ही बनाया बेसिकली, और साथ में देखो यहाँ पे फुल भी टोपी ये लेके जा रहे हैं, ये जो कैमरामैन है ना अमन जसवाल, कैमरामैन अपनी शक्ल दिखाए, कैमरामैन तो और पूरा मजा करेंगे दिवाली का और आप लोगों को भी दिखाएंगे दिवाली में क्या डेकोरेशन हुई है ऑफिस के अंदर। कल तो शायद दिखा नहीं पाया आपको ज़्यादा क्योंकि कल बहुत बिजी शेड्यूल था, तो आज से ही कल से ही बेसिकली दिवाली सेलिब्रेशन शुरू है बट आज फॉर्मली दिवाली सेलिब्रेट होएगी, पूजा होएगी
और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कल ही कर दिए हैं सबको, और उसके बाद दिवाली के बाद निकलेंगे हम घर के लिए। तो दिखाते हैं आपको आगे का सारा सीन। तो अब पहुंच गए हम ऑफिस और मैडम जी चल पड़े। वो देखो डेकोरेशन, वाह 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 वाह, क्या बात है, ऑफिस को पूरा मंदिर का रूप बना दिया। वो देखो डेकोरेशन क्या जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देख लो मंदिर सज गया है ऑफिस का, बहुत सुंदर है। और मैडम जी लगे हैं पूजा करने, इधर तैयारी करने। और ये सारे लोग देखो गुड मॉर्निंग पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हम करने वाले हैं पूजा थोड़ी देर में। तो आप लोगों ने देखा ही हमारी दिवाली रही है बहुत ही बढ़िया ऑफिस में हर बारी की तरह, और इस बार और भी ज्यादा स्पेशल। A few moments later. तो दिवाली की सेलिब्रेशन में एक और गिफ्ट मिल रहा है हमें हमारे सबसे प्रिय भाई से। तो ये गिफ्ट मैडम रिसीव कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई है दिवाली की, अच्छे से मनाना और जाते जाते कुराली से पटाखे ले जाना। अच्छा जी, थोड़ा सेल उनको भी करवा जाना। ठीक है, बेचारे वो लगे होते हैं दुकानें लगा के रोड साइड बैठे होते हैं। पक्का पक्का, हमारा फर्ज है उनको थोड़ा पक्का उनका बिजनेस वाली बनानी, बिजनेस में ग्रोथ करने में हेल्प करना, उनकी भी अच्छी रहे दिवाली। चलो थैंक यू, ठीक है ठीक है, हैप्पी दिवाली सभी को, सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वाह 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 वाह, हम जा रहे हैं घर, नए ब्लॉग की शुरुआत घर जाने के सफर के साथ, और सफर की शुरुआत इस ट्रैफिक के साथ। देखो तो वाह 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 वाह, क्या लाइन है। और कौन सी जगह है ये? है कुराली, ये है कुराली। और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है HRTC। ये सच में पिछले 5 मिनट से गाड़ियां नहीं निकल रही है, पर ये भाई साहब हमसे आगे। वाह, तालियां HRTC वाले के लिए, तालियां भाई साहब, तालियां आपके लिए। तो ये भी तो बेचारा फंसा ही है यार, है देखो। नहीं नहीं, तो ही तो बोल रहा हूँ, तालियां इसके लिए। और हमारे आगे चल रही है स्कॉर्पियन, जो कि ऑफ रोड की गाड़ी मानी जाती है, और फंसी है बेचारी ट्रैफिक जाम में। अरे यहाँ से निकाल ले, ऊपर से कहाँ से, हाँ यहाँ से, इधर से निकाल लो भाई। ये मेरा जो ये ड्राइवर है ना, ये टैलेंटेड ड्राइवर है, टैलेंटेड ड्राइवर ना ये, बोल रहा है की पर्सनल ड्राइवर है। कहाँ गए यार, इस बस ने ढक दिया। एक मिनट में अभी दिखा रहा हूँ, फंस गए आगे आगे ऑल्टो। ओहो, ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, और मैं निकाल दूंगा। एस्प्रेसो इनके पास ही बात होती है, ये कौन सी गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी है। सफर की शुरुआत, जिंदगी में हम मजा ले रहे हैं सफर का, बोलते मंजिल का क्या मजा। वाह वाह करो, मंजिल का क्या मजा। वाह मजा तो सफर में है। खत्म। अरे मतलब सफर में मजा है, मंजिल पे पहुंच के क्या मिलना है। वाह वाह वाह, सफर में एंजॉय करो। वाह, जैसे जिंदगी का सफर की मंजिल मौत है, और सारी जिंदगी एक सफर है, तो इस जिंदगी के मजे लीजिए गाइस। फिर से वाह वाह करो, करो बाबा। और यहाँ देखो ट्रैफिक कितने मिनट का दिखा रहा है अभी अभी पहले ही आधा घंटा लेट बता रहा था, अब शायद 17 मिनट दिखा रहा है। कोई नहीं, कितने ऐसा लग रहा है कल शाम तक पहुँच जाएंगे। कितना टाइम ये तो बहुत एडवांस लग रही है, यहाँ पे 5 बजे कितना टाइम हो सर, ये तो सो गई है। हेलो हेलो बेबी, पैनिक यू है, ये तो मेरे को पता है ना, बंद है, आपको तो ना पता है, ये किसी को पता नहीं है। देखो यार ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास, अभी इसको भी हम देंगे एनर्जी, अभी हम लगाएंगे चार्जर, निकाला जाए चार्जर। अभी देखो हमारे पास ये है जी चार्जर,
यार ये मैं परफ्यूम गाड़ी का जो मैंने बहुत टाइम से यूज नहीं किया यार इसको, बट मैंने नहीं ना किया, इन्होंने तो किया होगा। ये देखो उठ जा बेटा, ये चलो उठ गए देखो, अरे 8 बज गए इसमें तो 8 मत यार ऐसे मत दिखाओ कि हम 8 बजे नहीं, अभी यहाँ पे टाइम आ गया था, ये देखो 5:04 और हम निकले फिर कैसे 4 बजे। भाई साहब HRTC वाला पहुंच गया आगे, ये नहीं मान रहा है, और लोग पूरे उससे चले शिद्दत से घर, देखो यहाँ बेचारे झोले उठा के वो अंकल जी पूरा परिवार लेने चले गए थे, मुझे लग रहा था खरड़ से लेके आएंगे चंडीगढ़ से, नहीं मानते जी। और 90% लोग घर जा रहे हैं दिवाली की वजह से, अच्छा लगता है। तो फाइनली देखो हम ट्रैफिक जैम को छोड़ के बिल्कुल लिंक रोड में आए, ताकि हम आगे से ही टाइम पे पहुंच पाए। आगे रोड दिखा दो कैमरामैन, क्या देख रहे हैं आप, घर देखो बीच में, देखो बीच खेतों में ना ये बन रहा है, ये बहुत सुंदर लग रही है। अभी टाइम देखो, पहले आपको दिखाया था हमने टाइम कितना बज रहे थे, 5 बजे आपकी घड़ी दिखा दो, मेरी घड़ी तो चल रही है, चल भाई हेलो हेलो देखो अभी चेक कर दिया ना इन्होंने, देखो रोड की हालत ऐसे ऐसे दौर से गुजरना पड़ रहा है, ताकि हम सारा ट्रैफिक काट लें। और ये भी हमने ऑन रिस्क लिया था आगे वाले भाई की गाड़ी, ये निकले पहले, ये देखो आगे जा रही गाड़ी, हमने बोला कुछ तो ये दिमाग लगा रहे हैं, फिर हमने क्यों लगाना दिमाग, फिर हमने इनको दिमाग लगाने दिया, अब हम इनके पीछे पीछे, वो सामने आ गया फिर से 4 लेन आई थिंक, कहां वो देखो सामने आ गया, आ गया शुक्र है, स्कूटी वाले डर रहे हैं, बोले कहीं हमें ना गिरा दे बेचारे, कहीं से भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, पर हम पकड़ेंगे उसको, टेंशन ना लो। ये देखो फाइनली हम पहुंच गए, फाइनली फिर से कनेक्ट हो गए, सांस आ गई मुझे, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये शायद पटाखे वाले हैं सारे, वो देखो सारे पटाखे वाले, यहाँ से बोला था ना पटाखे लेने, वही देखो कितनी बड़ी मार्केट लगाई है, हम परसों कुल्लू से लेंगे, ठेका ले लेंगे वहाँ पे, ठेका करेंगे कुल्लू दुकान पे। और आगे हो रही है बारिश, आज पूरा जोर लगा रहा भगवान, हिमाचल में भी बारिश लग रही है। 9:30 और हम निकले हैं 4 बजे के, 4:30 बजे और अभी तक नहीं हम पहुंचे हैं, और हमें बार बार जगह जगह पे ट्रैफिक मिल रहा है एक बसेस की वजह से, ये बस थोड़ी ना जहाज है पूरे, देखो रोड देखो, रोड का साइज देखो, और चलिए बॉल्वोस पे बॉल्वो, तब बोलते हैं मनाली में बोला शांति, कहाँ की शांति, लोकल आदमी तो परेशान है बेचारा। चलो जी खुल गया जाम, फटाफट भागते हैं गाड़ी करते हैं स्टार्ट, बच गया और भाई साहब बैठ गए परे बेचारे, उसकी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, अभी अभी हमारे साथ देखो क्या हुआ, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी वो, स्कॉर्पियन थी ना, और वो हमारी गाड़ी की साइड से गई और उसने देखो क्या किया, देखो लाइट सारी मिट्टी, लाइट बंद करके देखना, दिख ही नहीं रहा है, लाइट बंद करके क्या ही दिखेगा यार, देखो यहाँ देखो मिट्टी आगे भी थी, और ये तो थोड़ा हमने बाइक पर से कर दिया, अभी यहाँ से दिख कुछ नहीं रहा है, बाहर दिख ही नहीं रहा है कुछ, और पीछे भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पीछे भी देखो यार कैसा था वो यार कैसे गया वो, तो अब कहीं रुक के पानी मारना पड़ेगा ताकि हमें एटलीस्ट दिखे बाहर, यहाँ से दिखे गए ना वो कुछ भी, देखो हमें वो गाड़ी ना थी मिल गई, ये साइड में लगा पानी, ये खुद की गाड़ी की हालत देखो उसकी कैसी हुई, रोड पे काले से भी काले हो गए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कुल्लू, और यहाँ पे देखो गाड़ी की हालत, जो हम आपको बोल रहे थे कि गाड़ी की हालत ख़राब कर दी है वो ये थी, और आगे से भी पीछे से भी, और ये है नाइट का नज़ारा कुल्लू शहर का, पूरी लाइटें, और वहाँ पे एक भाई पूरा पोज देके फ़ोटो बना रहा है रात को 11 बजे, ये जो ऊपर चढ़े हुए हैं
के ऊपर ये वाले, अभी देखना थोड़ी देर में फिर पोज करेंगे और पूरा मज़ा ले रहे हैं। ये देखो अब एक किसी और पोज में खड़ गए हैं। तो फाइनली पहुंच गए कुल्लू हम लोग भी, और सफ़र था लगभग 4.5-5 घंटे का, ज़्यादा थकावट वाला नहीं था। तो मिलते हैं आपसे कल। The next day. Hello guys, और हम पहुंच गए हैं कुल्लू मनाली अपने घर, और आज है हमारा दूसरा दिन, और हम जा रहे हैं मेरे मायके। और मेरे मायके में जाते हुए रास्ता तो देखो आप एक बार, क्या खूबसूरत है यार। और सबसे फनी में आप बात मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए उस गाड़ी ने हमारी गाड़ी को देखो कितना गंदा कर दिया था। देखो तो हमें टाइम नहीं मिला था धोने के लिए, तो अभी टाइम मिला है और अभी ये देखो पूरा सज धज के बेचारे क्या कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, देखो हेलो करो, हैप्पी दिवाली सबको, और दिवाली के उपलक्ष्य पे गाड़ी की सफाई घर की तो सबकी कर दी, गाड़ी की रह गई थी। देखो यार कितना सुंदर व्यू है, आप एक बार वो देखो सूरज। नहीं जी मैं गाड़ी में शैम्पू और सर्फ लेती फिरूंगी, कैसी बात। देखो देखो यार कितनी गंदी गड्डी हमारी गाड़ी। A few moments later. ये देखिए हमने दो लोग चंडीगढ़ से स्पेशल हार बनाने के लिए बुलाए। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे मैडम जी के मायके में, और ये लग गए हैं हार बनाने आते ही, और मेरे को भी लगा दिया साथ में हार बनाने के लिए। और जो उसके पीछे सारी प्लानिंग थी वो है ये शख्स, ये इंसान ये बोलते कि आप दोनों बनाओ हार फटाफट। मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी डिश बना के खिलाती हूँ ना, और तुम मेरा काम करो। और ये हमारे और लिए स्पेशल डिश बना रहे हैं, जो उसी चक्कर में यहाँ पे लहसुन की कटिंग कर रहे हैं चुपके और हमें पकड़ा दिया सुई धागा, और ऑलरेडी मैंने एक पूरी कर दी है, मेरी दिखाओ। एक मैडम जी ने भी पूरी कर दी है, पर ये तो बहुत बढ़िया है। अभी ये बोल रहे हैं कि गाड़ी गाड़ी में भी लगानी है, तो देखते हैं फिर। और ये खुद के खेतों से लाए फूल हैं, कितने अच्छे हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं घर, और घर में हो रही है दिवाली की लास्ट प्रिपरेशन, और यहाँ पे मैडम जी बना रहे हैं रंगोली। और कैसा लग रहा है आपको रंगोली बनाते फिर? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने टाइम से बना रहे हैं ये? ना आधा घंटे से बना रहे हैं इसको। मैं ऐसे डिजाइन वो देखो कॉपी की है, इन्होंने कहीं से चोरी किया है। और सेम कलर तो नहीं है, बट मैं थोड़ा। और ये हमने सामने थोड़ी सी मालाएं लगा दी हैं, कुछ फूल की हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं, और थोड़ी देर में हम आतिशबाजी करने वाले हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तब तक आप देखो रंगोली की प्रिपरेशन। तो फाइनली हमारी रंगोली हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे देख लो रंगोली कितनी सुंदर बनाई है, और ये आर्टिफिशियल रंगोली, और ये है शख्स जिसने रंगोली बनाई है। इनका काम मैं दिखाऊं, ये लड़ी लगाना, ये मैंने लगाई है ऊपर तक सारी, और ये हारे सारी मैंने लगाई हैं, ये हारे सारी मैंने लगाई हैं। तो आप बताइए कैसे लगी मेरी डेकोरेशन? तो ये है दीपू की फर्स्ट दिवाली, बोलो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो अभी हमने दिवाली की पूजा कर ली है पूरी। ये है हमारा सुंदर सा मंदिर का सेटअप, देखो कितना सुंदर है, कितने भगवानों का पास हमने यहाँ पे करा है, और इसीलिए घर में सुख शांति बनी रहती है और लक्ष्मी जी का पास रहता है। तो आप लोग भी अपने घर में भगवान का श्रेष्ठ स्थान दें। और हमारा जो मंदिर है वो इतनी प्यारी जगह पे है, मैं आपको दिन में दिखाऊंगा वैसे, बट अभी दिखा सकता हूँ मैं जितना दिखेगा। ये देखो ये हमारा टेंपल बिल्कुल टॉप में, यहाँ से हम आते हैं, ये हमारा टेरिस है, और यहाँ से है हमारा पूरा मंदिर का सेटअप। दिखाया जाए
और ये भी असला है। ओ देखो यहाँ देखो मैडम जी कर रही हैं यहाँ पे देखो अनार जलाने की तैयारी। और ओ देखो हो गया डर, देखो कैसे रहे जैसे बम है, अनार है। थोड़ा दूर करो, इधर आओ आप इस साइड। देखो तो अभी यहाँ कंपटीशन शुरू हो गया। नहीं दोनों चरखी एक साथ चलाएंगे और किसकी लेट तक जलेगी। इसमें छोटे वाले, इसमें क्या जलने का है ना, जलाओ। नहीं, 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 नहीं। देखो 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 किसकी जलेगी लास्ट तक, जलाओ सही पर जला, आपकी जली नहीं रही है। ये ऐसे नहीं, लास्ट तक टिकेगी किसकी। ओ उनकी तो जल भी गई उधर। चल लड़ मेरे शेर, कौन सी मेरी है, ये मेरी है, ये मेरा शेर है। आपके वाले तो कब की होगी, ये नहीं है, ये लॉजिक था, ये पहले जलेगी। चुप, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं फाइनली जीत गया हूँ और ये है हमारी बिनराज की, ये बिनर इनाम देना है। क्या इनाम देना है? अच्छा बुलेट है, फर्स्ट प्राइज बुलेट। अब चल पड़ा यहाँ पे नया एक शो, न्यू शो। ऐसा शो चला कि मुझके ये तो करी। अच्छा 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 दीपू पापा का नार हो गया फुस, पापा का नार हो गया फुस। मुशाप करो इसका, खाली दे दिया कंपनी वाले ने। ओ बेइज्जती हो गई है यहाँ पे तो। अब थोड़ा सा ऑपरेशन किया जा रहा है इसका, देखते हैं जलेगा कि नहीं। हाँ जी क्या लग रहा है आपको, जलेगा? हेलो अच्छा ठीक है, क्या लग रहा है जलेगा? हाँ ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा और दे दो इनको एक चांस और दे दो, चलो एक चांस। ए चल के चल के चल के चल के चल के चल के, फाइनली जल के आया अनार। हैप्पी दिवाली होगी इनकी भी। एक्सपेरिमेंट काम आया, देखो चीर एक्सपेरिमेंट काम आया। तो फाइनली यहाँ पे आ गए हैं नए चैंपियन। ओ इनकी चक्री थोड़ी दो स्टार्ट के बाद अच्छी चल पड़ी है। A few moments later. यहाँ पे हो रही है टोकरी खोलने की तैयारी। यहाँ देखो मांगा जा रहा है, नहीं खा रहा मैंने। क्या क्या खाना है, किसने खाना है, बता दो भाई। ये देना हम सबको, ये देखो ये सिर्फ तुझे। ओ देखो ये मुझे दे रही, सब ज्यादा है। यहाँ पे देखो अब बस आइटम बांटी जा रही है। अब ये देख रही कौन सी मैं अपने लिए रखूं, कौन सी मैं दे दूं।